Hello student, my name is Mehak. Today we will determine Young's modulus of the material of the beam using bending of beam experiment. तो bending of beam से experiment से हम Young's modulus find out कर रहे हैं उस material का जिसकी beam बनी हुई है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Young's modulus होता क्या है. तो जैसा कि हम elasticity में Hooke's law पढ़ते हैं और उस Hooke's law के according जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है और इसी कांस्टेंट को हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं. इलास्टिक कांस्टेंट यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर हम कुछ कुछ फोर्स दें, यानी कि अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना है या उसे हमें स्ट्रेच करना है, यानी अगर हम उस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएं या कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, तो वो अपने पोजीशन को या फिर अपनी साइज शेप को दोबारा से किस तरीके से रिगेन करती है, उसी को हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम एक कॉन्स्टेंट बोलते हैं और ये कॉन्स्टेंट जो है इलास्टिसिटी में तीन तरीके कॉन्स्टेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यंग्स मॉडुलस, देन सेकेंड इज बल्क मॉडुलस, थर्ड इज कोफिशियंट ऑफ रिजिडिटी. इन तीनों टाइप की कॉन्स्टेंट से हम फाइंड आउट करते हैं कि वो मटेरियल कितना इलास्टिक है. तो ये तीनों तरीके की जो इलास्टिक कोफिशियंट है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन पे. यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम उसे कंप्रेस करें या स्ट्रेस करें, तो उस टाइम उसकी लेंथ में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो या फिर शियरिंग में चेंज हो, इसका मतलब कि थीटा में चेंज हो, तो उस स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं ये तीनों तरीके के मॉडुलस. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है. तो यंग्स मॉडुलस हम कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, यानी उसे कंप्रेस कर रहे हो या फिर उसे स्ट्रेस कर रहे हो, उस फोर्स की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ में चेंज आ रहा है, देन दैट मॉडुलस इज नोन एज यंग्स मॉडुलस. तो हम यंग्स मॉडुलस की अगर डेफिनेशन देखें तो यंग्स मॉडुलस को बाय फॉर्मूला हम लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. और ये जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. यानी जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कुछ चेंज हुआ, तो उस टाइम जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस. तो स्ट्रेस जो है वो हमें पता है कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितना चेंज आया, इसका मतलब कि स्ट्रेन को हम लिखते हैं रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो अगर मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में जो चेंज है वो स्मॉल एल है और कैपिटल एल उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ थी, तो यंग्स मॉडुलस को आप लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय कैपिटल एल. यानी यहाँ पर जो एल है वो है चेंज इन द लेंथ. तो यहाँ से अगर आप यंग्स मॉडुलस निकालें तो वो बनता है एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू स्मॉल एल. यहाँ से यंग्स मॉडुलस वाई की वैल्यू निकलती है एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू एल. इसका मतलब जब स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होगा तो जो इलास्टिसिटी का कांस्टेंट होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा. उसी तरीके से बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस वो मॉडुलस इलास्टिसिटी का जब स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक हो, यानी कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ, तो उस टाइम जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो होता है बल्क मॉडुलस. थर्ड है कोफिशियंट ऑफ रिजिडिटी, जिसको ईटा के साथ हम डिनोट करते हैं. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशियंट ऑफ रिजिडिटी हम तब बोलते हैं जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, इसका मतलब कुछ थीटा में चेंज हुआ. थीटा में चेंज होने की वजह से जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट होता है वो कोफिशियंट ऑफ रिजिडिटी होता है. तो यंग्स मॉडुलस को हम इस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं. अब हम देखेंगे कि अगर हमें बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो उसे एक्सपेरिमेंटली हम कैसे करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा सेटअप हो रखा है इसे हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम एक्सपेरिमेंट. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये बीम नीचे दी हुई है, हमें इस बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है कि ये बीम जिस भी मटेरियल से बनी है उसका यंग्स मॉडुलस कितना है. और बेंडिंग ऑफ बीम
जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस बीम को बेंड करना है, तो इस बीम के सेंटर पे हम एक वेट लगाएंगे और इस वेट की वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स लगा और जो ये बीम है वो बेंड हो जाएगी और उसी बेंडिंग से हम इस बीम के मटेरियल की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम सेटअप किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो बीम है हमने दो स्टैंड के ऊपर डाल दी और स्टैंड के ऊपर हमें इस बीम को इस तरीके से रखना है ताकि आपको उसका सेंटर ऑफ मास सबसे सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है वो पता चल जाए। तो हमने यहाँ पर इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया और स्टैंड के ऊपर हमने इस तरीके से रखा कि यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर इसे छोड़ दिया और उधर से भी 5 सेंटीमीटर हमने बीम को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब स्टैंड के बीच में जो बीम है उसकी लेंथ हुई ये टोटल 1 मीटर की लेंथ है। इस बीम की टोटल लेंथ 1 मीटर है, 5 सेंटीमीटर हमने इधर छोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर हमने इधर छोड़ दिया, तो इसका मतलब स्टैंड्स के बीच में जो बीम है उसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट फाइंड आउट करके हमें इस हैंगर को वेट जहाँ पर हमें लटकाना है उस हैंगर को हमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर रखना है। तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद हमने देखा कि 90 सेंटीमीटर की लेंथ बीच में थी, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। अगर वो 45 होगा तो वो हम बोलेंगे उसे कि वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो हमने इसी तरीके से यहाँ मेज़र किया कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 45 इस पॉइंट पर आ रहा है तो ये पॉइंट जो हो गया वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो गया और इस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे हमने इस हैंगर को लटका दिया। अब यहाँ से हम मीटर स्केल को आराम से निकाल लेंगे और हमने यहाँ पर एक चौक से साइन कर दिया कि ये 50 सेंटीमीटर के ऊपर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो अब हम अपने हैंगर को इसके ऊपर रख देंगे और हमें इस तरीके से इसे निकालना है ताकि जो सेटअप है वो हिले ना। तो इस तरीके से मैंने हैंगर को सेंटर ऑफ मास पॉइंट के ऊपर डाल दिया। तो अब ये हैंगर जो है वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब अब हैंगर तो सेट हो चुका, अब हमें इसे नहीं छेड़ना है। तो अब यहाँ पर हमने हैंगर के ऊपर एक क्रॉस साइन डाल दिया और अब हमें इस क्रॉस साइन को माइक्रोस्कोप में फोकस करना है। अब हमने अपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस हैंगर के इस प्लस साइन के ऊपर फोकस कर लिया। माइक्रोस्कोप के अंदर जो इनबिल्ट क्रॉस वायर है उसको हमने कोइंसाइड करा दिया इस प्लस साइन के साथ और कोइंसाइड कराने के बाद अब हमें इसका प्रोसीजर जो करना है वो इस तरीके से करना है कि अभी हैंगर के ऊपर कुछ वेट नहीं है, तो पहले 0 kg वेट के लिए हम यहाँ से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग देखेंगे। उसके बाद हम हर एक टाइम इंस्टेंट के बाद इसके ऊपर 500 ग्राम करके मास को ऐड करते रहेंगे और जैसे ही मास यहाँ पर ऐड होगा तो कुछ स्ट्रेचिंग हुई और स्ट्रेचिंग होने की वजह से जो ये बीम है इसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाएगी और हम हर एक टाइम पे जब मास ऐड कर रहे हैं उस मास के साथ में हमने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग लेनी है। तो 4 kg तक हम हर एक टाइम पे 500 ग्राम इसमें मास को ऐड करते रहेंगे और 4 kg तक के वेट तक इसमें ऐड करते रहेंगे और उनकी सबकी हमने रीडिंग लेनी है। तो ये हम हर एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर मास ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये मास इंक्रीजिंग हुआ। उसी तरीके से जब 4 kg वेट हो जाएगा, 4 kg वेट होने के बाद अब हम हर एक बार एक टाइम के ऊपर जो एक वेट है 500 ग्राम का एक वेट है उसे निकालते रहेंगे और निकालते निकालते हम उन सब की रीडिंग लेंगे। यानी कि 4 kg तक वेट डाला, उसके बाद आपने रीडिंग ले ली, ये इंक्रीजिंग वेट के लिए रीडिंग हो गई, फिर डिक्रीजिंग के लिए करना है। इसका मतलब 4 kg में से 500 ग्राम निकाल दिया यानी 3.5 kg जब अब वेट बचा तो उसके लिए हम रीडिंग लेंगे, उसके बाद फिर 3.5 में से 500 ग्राम को निकाल देंगे और 500 ग्राम को निकालने के बाद 3 kg के लिए हम रीडिंग लेंगे। इस तरीके से एक बार इंक्रीजिंग लोड के लिए हमें रीडिंग लेनी है और एक बार डिक्रीजिंग लोड के लिए रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग हमें जो लेनी है वो इस तरीके से लेनी है क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर वेट डाल रहे हैं बीम में बेंडिंग हो रही है, यानी ये जो पॉजिटिव साइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इस आईपीस का वो
वर्टिकल वाला डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगर वर्टिकल वाला डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो हमें जो रीडिंग लेनी है वो वर्टिकल स्केल की रीडिंग लेनी है। इस तरीके से हम सारी की सारी रीडिंग्स लेंगे हर एक बार वेट को ऐड करते वक्त और वेट को निकालते वक्त, यानी लोड इंक्रीजिंग के लिए हमें रीडिंग लेनी है और लोड डिक्रीजिंग के लिए रीडिंग लेनी है। और यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं अगर हम बेंडिंग ऑफ बीम में, तो उसका जो फॉर्मूला है वो बनता है एम जी एल क्यूब डिवाइड बाय 4bd³ इंटू डेल्टा। और यहाँ पर जो ये एम है वो हम वेट जितना डाल रहे हैं, जितना मास हर एक बार डाल रहे हैं वो है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल जो है लेंथ, और ये लेंथ हमें ये लेनी है जो हमने स्टैंड्स के बीच में लिया है, बीम की लेंथ जितनी इन स्टैंड्स के बीच में है वो लेंथ है ये स्मॉल एल। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इस बीम की वो 90 सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो हो जाएगी वो 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर 4 × b, जो b है वो इस बीम की ब्रेथ है, इस बीम की ब्रेथ मेज़र करेंगे हम और उस बीम की ब्रेथ को हम यहाँ डालेंगे। और फिर यहाँ आता है डी क्यूब, जो ये डी है ये बीम कितनी थिक है, यानी थिकनेस ऑफ बीम जो है वो है डी, स्मॉल डी। उसके बाद यहाँ डेल्टा आता है एक टर्म, और डेल्टा जो है वो डिप्रेशन है, यानी कि जब हम वेट ऐड कर रहे हैं इस बीम में ये बीम कितना डिप्रेस हो रही है, दैट इज़ द डेल्टा। तो ये है फॉर्मूला बेंडिंग ऑफ बीम में यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करने का। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें रीडिंग्स किस तरीके से लेंगे। तो अब रीडिंग जो लेंगे वो इस तरीके से है, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे हमने 500 ग्राम वेट ऐड किया और हमने 4 kg तक का वेट इसमें डाल दिया। और फिर 4 kg तक का वेट जब हमने डाला तो हमने माइक्रोस्कोप से रीडिंग ली और वो लोड इंक्रीजिंग की रीडिंग थी, क्योंकि हमने हर एक टाइम में मास को ऐड किया है। उसके बाद जैसे ही हम 4 kg तक पहुँचे, 4 kg तक पहुँचने के बाद हम हर एक टाइम पे 500 ग्राम वेट को निकालते रहेंगे, और निकालते रहते ही जो वेट है वो अब डिक्रीजिंग वेट हुआ, और उनकी रीडिंग साथ के साथ लेते रहेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी पहले 4, फिर हमने 500 ग्राम निकाल दिया तो 3.5 kg वेट वहाँ पर बचा, उसमें से 500 ग्राम फिर निकाला तो 3 kg वेट बचा। इस तरीके से हम लोड डिक्रीजिंग में भी वैल्यूज पुट कर देंगे और वहाँ से फिर हम डिप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने माइक्रोस्कोप को सेट किया है, अभी हमने यहाँ कोई भी वेट नहीं डाला हुआ, यानी 0 kg वेट के लिए अगर मैं माइक्रोस्कोप को सेट करके रीडिंग लूँ, तो मैंने आपको बताया कि हमें वर्टिकल स्केल की ही रीडिंग लेनी है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्केल को नहीं छेड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो बिल्कुल रेस्ट पर पड़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्केल में हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं लोड इंक्रीज करूँगी, इसीलिए मैं 0 kg वेट के लिए सबसे पहले लोड इंक्रीजिंग में वैल्यू लिख रही हूँ। तो लोड इंक्रीजिंग में अगर मैं यहाँ पर रीडिंग देखूँ, तो वो रीडिंग 0 kg वेट के लिए जो आती है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेन स्केल जो है वो 12 है, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न है वो 5th डिवीज़न बेस्ट को इंसाइड कर रही है। तो अब जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 12, और वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न है वो है 5, तो जो रीडिंग हो जाएंगी वो बन जाएगी 12 + 5 × 0.001 cm, इसका मतलब 12.005 cm इज द रीडिंग फॉर द 0 kg वेट। तो हमने माइक्रोस्कोप से रीडिंग ले ली 0 kg वेट के लिए, और अगर आपको रीडिंग लेना नहीं आता और आपको माइक्रोस्कोप को सेट नहीं करना आता, तो उसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो उसकी वीडियो का जो माइक्रोस्कोप की वीडियो है उसकी वीडियो का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रीडिंग ले ली 0 kg वेट के लिए, तो 0 kg वेट के लिए जो लोड इंक्रीजिंग की रीडिंग हुई वो 12.005 cm हुई। अब हमने बोला कि 500 ग्राम हमें हर एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर हमें वेट डालना है, तो अब हम इस हैंगर में 500 ग्राम वेट लेंगे और हम उसे हैंगर के साथ में लटका देंगे। जो ये हैंगर है वो है 500 ग्राम का, तो 500 ग्राम वेट अब हमें इस हैंगर में डालना है,
लेकिन हमें इसे इस तरीके से डालना है कि ये जो हैंगर है इसकी पोजीशन ना हिले, तो हम इसे पकड़ के इसे आराम से इस तरीके से डाल देते हैं। तो हैंगर की पोजीशन का के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हैंगर की पोजीशन जो है वो स्टिल पड़ी रहनी चाहिए। अब हमने वेट डाला, वेट डालने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रेचिंग हुई और बेंड जो बीम है वो बेंड हो गई है। तो अब हमें दोबारा से ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को सेट करना है इस पॉजिटिव साइन के ऊपर और हमें फिर से रीडिंग लेनी है। यहाँ अब हमने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को 500 ग्राम के लिए यहाँ फोकस कर लिया है और फोकस करने के बाद अब हम रीडिंग ले रहे हैं। तो वर्टिकल स्केल की ही रीडिंग लेनी है। तो वर्टिकल स्केल की रीडिंग लेके यहाँ पर दिख रहा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 11.85 है। तो वर्नियर स्केल में जो बेस्ट कोइंसाइड है वो है 35th डिवीज़न और मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 11.85। तो अब रीडिंग अगर हम देखें तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 11.85 और जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न है वो है 35। तो जो रीडिंग बन जाती है वो है 11.85 प्लस 35 मल्टीप्लाई 0.001 सेंटीमीटर, 11.85 प्लस 0.035, यहाँ से 11.885 सेंटीमीटर इज द रीडिंग फॉर 0.5 केजी। तो लोड इंक्रीजिंग किया हमने तो यहाँ पर 0.5 केजी के कोरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग है वो है 11.885 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से अब 500 ग्राम फिर से वेट डालना है। तो 500 ग्राम वेट फिर से हमें इसकी पोजीशन को हिलने नहीं देना और हमने ये वेट डाल दिया यहाँ पर। और अब वेट डालने के बाद इसमें और ज़्यादा बेंडिंग हुई। अब हमें ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से इसे दोबारा से सेट करना है। अब इसी तरीके से 1 kg वेट के लिए जो रीडिंग है वो है 11.840 सेंटीमीटर। अब हम इसमें दोबारा से 500 ग्राम वेट ऐड करते रहेंगे और जब तक कि वो 4 kg वेट ना हो जाए टोटल, तो तब तक हम इसमें 500 ग्राम वेट को ऐड करते रहेंगे और उन सब के लिए हम अब रीडिंग लेंगे। जैसे हमने टोटल 4 kg वेट इस बीम पे हैंग कर दिया और हैंग करने के बाद ये बीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेंडिंग हो चुकी है और हमने उस लोड इंक्रीजिंग की सब जो वैल्यूज़ हैं जो रीडिंग्स हैं वो हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ले ली। अब हमें हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस हैंगर में से वेट को निकालते रहना है और उनकी पर्टिकुलर रीडिंग लेते रहना है, तो वो लोड डिक्रीजिंग की रीडिंग हो जाएंगी। तो 4 kg के लिए तो हम सेम यही वाली रीडिंग ले लेंगे क्योंकि अभी ये ऐसे का ऐसे पड़ा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो 4 kg के लिए तो जो रीडिंग हो जाएगी वो 11.120 हो जाएगी। अब 11.120 हुई 4 kg के लिए, अब हमें इसमें से 500 ग्राम निकालना है तो वो 3.5 kg बच जाएगा। तो अब हम इसमें से 500 ग्राम वेट को निकाल देते हैं और ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करके उसकी रीडिंग लेते हैं। तो अब हमने एक एक करके सारा वेट हटा दिया और 0 kg तक का वेट डाला। अब देखिए हैंगर पे कुछ भी वेट नहीं है और इस तरीके से हमने लोड डिक्रीजिंग की सारी रीडिंग्स ले ली हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप लोड इंक्रीजिंग की रीडिंग ले और लोड डिक्रीजिंग की रीडिंग ले, उन दोनों रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर दोनों रीडिंग्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग की रीडिंग्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब उसी तरीके से
अब मैंने जैसे आपको फॉर्मूला में बताया था कि फॉर्मूला में हमें इस बीम की ब्रेड्थ, इस बीम की थिकनेस का भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस बीम की थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे स्क्रू गेज से। तो इस तरीके से आप अपना स्क्रू गेज लगा सकते हैं और स्क्रू गेज लगाने के बाद हम इस बीम की जो है वो थिकनेस फाइंड आउट करेंगे कि ये जो बीम है वो कितनी थिक है। तो स्क्रू गेज से हमने इसकी थिकनेस जो फाइंड आउट की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बीम की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। और स्क्रू गेज की रीडिंग लेना हमने अपनी पुरानी वीडियो में सिखाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। स्क्रू गेज की रीडिंग हमने ली हुई है पहले से ही और रीडिंग लेने के बाद हम देख रहे हैं कि जो मेन स्केल की डिवीज़न है वो 5 है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो थी वो 36 आ रही थी। हमने दो अलग अलग जगह से स्क्रू गेज से हमने थिकनेस को फाइंड आउट किया हुआ है और ऑब्जर्व जो हमारे सर्कुलर स्केल की डिवीज़न है वो 36 है और हमारे स्क्रू गेज में कुछ एरर था और वो एरर पॉजिटिव टाइप का एरर था और वो 1 डिवीज़न का एरर था। अगर एरर पॉजिटिव है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्शन होती है वो नेगेटिव करेक्शन होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर करेक्टेड रिजल्ट में, करेक्टेड सर्कुलर स्केल डिवीज़न में यहाँ पर 36 में से 1 डिवीज़न को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने दो अलग अलग रीडिंग अलग अलग जगह से ली हुई है और इन रीडिंग्स को देखकर हमारा जो थिकनेस है, बीम की थिकनेस जो थी वो निकल रही थी एक जगह से 0.535 सेंटीमीटर और दूसरी जगह से 0.532 सेंटीमीटर। और इस तरीके से जो मीन थिकनेस है, फाइनल रिजल्ट जो है थिकनेस का, बीम की थिकनेस का, वो फाइंड आउट होता है 0.5335 सेंटीमीटर। बीम की थिकनेस फाइंड आउट करने के बाद बीम की हमें ब्रेड्थ भी चाहिए। तो बीम की ब्रेड्थ का को फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से हम कुछ इस तरीके से इसके जोज के बीच में इस बीम को डाल देंगे और बीम को जोज के बीच में डालने के बाद हम इस बीम की जो ब्रेड्थ है वो मेज़र करेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बीम की ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना हमने अपनी पहली वीडियो में सिखाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। यहां हमने डायरेक्ट रीडिंग ली हुई है और डायरेक्ट रीडिंग लेने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर से जो मेन, यहां पर भी हमने जैसे स्क्रू गेज में दो डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमने थिकनेस को फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम वर्नियर कैलिपर का भी दो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे, बीम की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे यूज़ करेंगे। और दो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे यूज़ करके हमने देखा कि जो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल की रीडिंग है, डिवीज़न जो है वो 2.4 आ रही है और वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न है वो 5 थी। यहाँ से हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। दो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे जब हमने ब्रेड्थ को फाइंड आउट किया तो वो एक बार 2.45 सेंटीमीटर और दूसरी जगह से 2.43 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो फाइनल बीम की ब्रेड्थ है वो हम इन दोनों रीडिंग्स का मीन लेंगे और इन दोनों रीडिंग्स का मीन लेने के बाद जो फाइनल ब्रेड्थ है वो आ रही है 2.44 सेंटीमीटर। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो ये था, जहाँ पर m मास था, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन टू नाइफ एजेस, एंड b इज द ब्रेथ ऑफ द बीम, एंड d इज द थिकनेस ऑफ द बीम, एंड डेल्टा इज द डिप्रेशन इन द बीम। तो अब हमने जो फाइंड आउट किया है वो ब्रेथ फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने थिकनेस भी फाइंड आउट कर ली है और हमें पता है कि बीम की जो थिकनेस थी, सॉरी बीम की जो लेंथ थी, हमने दो नाइफ एजेस के बीच में 90 सेंटीमीटर रखी थी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला में अब जो बची हुई चीज़ है जो हमें नहीं पता वो सिर्फ है मास और डिप्रेशन। अब मास और डिप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से फर्स्ट टेबल पर जाएंगे, जहां हमने लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग की रीडिंग्स ली थी, वहां से हम एम को फाइंड आउट करेंगे और डेल्टा को फाइंड आउट करेंगे। तो ये है फर्स्ट टेबल और इस फर्स्ट टेबल में हमने लोड इंक्रीजिंग की सारी रीडिंग्स ली हुई हैं और लोड डिक्रीजिंग की सारी रीडिंग्स ली हुई हैं। अब इन लोड इंक्रीजिंग और लोड डिक्रीजिंग की रीडिंग से हमने एक मीन रीडिंग फाइंड आउट करी और हर एक वेट के लिए जो हमने यहाँ डाले हुए थे हैंगर के अंदर, हर एक वेट के लिए हमने एक मीन
रीडिंग फाइंड आउट कर ली है और इस मेन रीडिंग से अब हमें डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिप्रेशन का मतलब है कि उस बीम में वेट डालने के बाद कितना चेंज आ रहा है, लेंथ में कितना चेंज या फिर उस बीम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एक वेट डालने के बाद, दैट इज़ द डिप्रेशन। अब यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट किया डिप्रेशन, हम फाइंड आउट कर रहे हैं 2 kg वेट के लिए, यानी जब मीन वेट है 2 kg वेट है तो उस टाइम उस बीम में डिप्रेशन कितना आ रहा है। तो इस काम के लिए हमें क्या करना है कि हमने 0 से लेकर 4 kg तक का वेट उसमें ऐड किया था। अब 0 से 4 kg तक के वेट में हमें 2 kg का मीन डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जब बीम में टोटल वेट जो है वो 2 kg होगा तो उस टाइम डेल्टा क्या है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस काम के लिए हमें करना है कि देखिए, जब हम 0 वेट ले रहे हैं, 0 के साथ अगर मैं 2 kg वेट को ऐड करूं तो तब बनता है मेन वेट 2 kg। तो 2 और 0 वाली रीडिंग को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस सब्ट्रैक्शन की वजह से जो डेल्टा है वो इतना आता है। यहाँ पर लिखेंगे कि इन दोनों रीडिंग को 2 में से 0 माइनस किया तो मीन जो वेट आया वो आया 2 kg। तो 2 kg वेट के लिए कितनी डिप्रेशन आ रही है बीम में, दैट इज़ द डेल्टा। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर 2 kg चाहिए, तो 2.5 और 0.5 जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन जो वेट है, मीन वेट जो है वो 2 kg आता है। तो इन दोनों रीडिंग्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड डेल्टा की वैल्यू आ जाती है। उसी तरीके से 3 kg जब होगा तो 3 kg में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन वेट 2 kg बनता है। तो इस 2 kg वेट के लिए हमने यहाँ पर डिप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। उसी तरीके से बाकी सारी बची हुई टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से हमें डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा। और डेल्टा हमने 2 kg मास के लिए फाइंड आउट किया है, इसका मतलब अब जो हम मास ले रहे हैं वो 2 kg ले रहे हैं। तो फॉर्मूला में जो हम m ले रहे हैं तो इसका मतलब डिप्रेशन कितने वेट के लिए लिया जा रहा है, दैट इज़ द m। तो हमने वेट लिया 2 kg, तो m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 kg हो जाएगी। और डेल्टा की वैल्यू हम इन डिफरेंट 5 deltas का मीन फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से डेल्टा की वैल्यू लेंगे। तो डेल्टा की जो मीन वैल्यू है वो आती है 0.4515 cm। तो इस तरीके से हमें अब m भी पता लग गया, l भी पता लग गया, b भी हमने फाइंड आउट कर लिया, d भी फाइंड आउट कर लिया और डेल्टा की भी वैल्यू अब हमारे पास है। अब इन सब चीज़ों की वैल्यू यहाँ पुट करके हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने उन सब की वैल्यूज़ इस y के फॉर्मूला में डाली और यहाँ से हमें यंग्स मॉडुलस पता चल गया जो हमारे मटेरियल था बीम का। तो यहाँ से हमने देखा कि जो मास था हमने 2 kg लिया था और यहाँ पर हम जो y फाइंड आउट कर रहे हैं वो CGS यूनिट्स में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए हमने मास को जो लिखा है वो kg में ना लिखकर ग्राम में लिखा है। तो इसीलिए 2000 ग्राम बन गया और g की वैल्यू CGS में 980 है और l जो था वो हमने 90 cm लिया था, तो 90 cm³ जो है वो l की वैल्यू हो गई। उसी तरीके से b जो था, ब्रेथ ऑफ द बीम जो थी वो 2.44 cm थी और d थिकनेस ऑफ द बीम इज 0.5335 एंड डेल्टा इज द डिप्रेशन इन द बीम एंड दैट एंड द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन इज 0.4515। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पुट करने के बाद यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आती है वो है 21.35 × 10⁻¹ⁱ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से बीम के मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट हो रहा है वो है 21.35 × 10⁻¹ⁱ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम SI यूनिट्स में फाइंड आउट करें तो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो है 2.135 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब हम इस y की वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो y है ये स्टील की रेंज में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टील की भी 2 अलग-अलग रेंज है, स्टील कास्ट और स्टील माइल्ड। इन दोनों की रेंज में जो स्टील कास्ट है उसके यंग्स मॉडुलस की जो रेंज है वो है 1.9 × 1.9 to 2.1 × 10⁻¹ⁱ और स्टील माइल्ड की जो रेंज है वो है 2.1 से लेकर 2.3 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यहाँ पर जो हमारे मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट हो रहा है वो 2.135 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 है। इसका मतलब कि जो बीम हम यूज़ कर रहे थे वो बीम जो थी वो स्टील माइल्ड मटेरियल की थी। तो इस तरीके से हम बेंडिंग ऑफ बीम एक्सपेरिमेंट से किसी भी बीम के मटेरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस की ये रेंज जो आई है वो हमने देखा कि वो स्टील माइल्ड की आई है, और इस रिजल्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्टील है, स्टील माइल्ड मटेरियल जो है वो पर मीटर स्क्वायर में इतना फोर्स बियर कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। तो यानी अगर हम स्टील की कोई भी मटेरियल लेते हैं तो स्टील के मटेरियल के लिए वो अपने एक मीटर स्क्वायर के एरिया में 2.135 इंटू 10 रेस टू दी पार 11 न्यूटन का जो फोर्स है वो बियर कर सकता है। और इतने फोर्स तक, जब तक इतना फोर्स लगेगा तब तक उस मटेरियल की शेप में कोई चेंज नहीं होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।